से। तो गाइस मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है बहुत बड़े से कॉन्सर्ट हॉल का सीन, जहां पर हमारे सीडो और उसके बाकी सब लोग दोस्त कॉन्सर्ट देखने के लिए आए थे। और उसके साथ ही हमारी जो मिको होती है वो उस कॉन्सर्ट में गाना परफॉर्मेंस कर रही होती है और उसके गाने को बहुत सारे लोग पसंद भी कर रहे होते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसका कॉन्सर्ट ख़त्म होता है और वहाँ से सभी लोग जाने लगते हैं। लेकिन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी तोका और योशिनो होती है वो दोनों वाटर स्लाइड में स्लाइड कर रही होती है। और उस टाइम में तोका कहती है योशिनो बहुत ही मज़ा आ रहा है। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं इन दोनों को देख के हमारी कागुया थोड़ी सी जलन महसूस करती है, जिसकी वजह से हमारी यूजुरू कहती है कागुया चलो हम दोनों मिलकर स्विमिंग करते हैं। और इस बात को सुन के हमारी कागुया भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है हाँ मैं चलूँगी। और हमें अगले सीन में दिखाया जहाँ पर हमारी मिकू कहती है असल में ये जो स्विमिंग पूल है मुझे आज के दिन के लिए रेंट में मिला है। और अगले सीन में दिखाया जाता है वो असल में ये जो स्विमिंग पूल है वो मिकू के स्टाफ लोगों के लिए है। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी तोका कहती है सीडो क्या तुम स्विमिंग करने आओगे, और तभी सीडो उसको मना करता है और कहता है कि नहीं मैं यहीं पर ही ठीक हूँ। और उसके बाद हमें दिखाया जहाँ पर वो सभी लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे होते हैं। और उस टाइम पे मिकू कहने लगती है मुझे खुशी मिलती है जब तुम लोग खुश रहते हो। और हमें अगले सीन में दिखाया जहाँ पर मिकू स्विमिंग करने के लिए जा रही होती है और सीडो उसको देखने लगता है और तभी मिकू बोलने लगती है डार्लिंग क्या तुम मुझे घूर रहे हो। और उस टाइम में सीडो इस बात को लेकर बहुत ही शर्माने लगता है और हमारा सीन शिफ्ट होता है और जहाँ पर हमें दिखाया जाता है मिकू घर जाने वाली होती है और वो कहते हैं क्या तुम लोग कन्फर्म हो गए तुम्हें लिफ्ट नहीं चाहिए, जहां पर कोदोरी उनको मना करती है। और अगले सीन में तोका कागुया और हमारी योशिनो एक चीज़ को नोटिस कर रहे होते हैं और वो देखते हैं कि वहां पर बहुत स्वादिष्ट केक है उस दुकान के अंदर। उसके बाद हमें दिखाते हैं जहां पर हमारी कोतरी कहती है घर जाने के टाइम मैं उसको दिला दूंगी। और अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी लोग मिकू को बाय कहते हैं। और अगले सीन में दिखाया जाता है उसके साथ ही हमारे सीडो और बाकी सब लोग ट्रेन से सफ़र करते हुए घर जा रहे होते हैं। और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है उस जगह पर हमारे मेन कैरेक्टर सीडो बस अभी अभी सो के उठा हुआ होता है। और उसके बाद वो अपने विंडो को ओपन करता है और कहता है कि आज बहुत ही अच्छी सुबह होगी। और उसके बाद वो अपने सामने एक चीज़ को नोटिस करता है और वो उस चीज़ को नोटिस करके बहुत ही शौक रह जाता है और कहता है कि ये क्या चीज़ है। और तभी हमें वो चीज़ दिखाया जाता है वो असल में बहुत ही बड़ा सा बबल था, या बोल सकते हैं बहुत ही बड़ा सा बॉल था। और उस जगह पर हमारी कोतरी आती है और कहती है कि सीडो उठ जा सुबह हो चुकी है। लेकिन सीडो कहता है कोतरी वहाँ देखो वहाँ पर कुछ दिख रहा है। और उस टाइम पे हमारी जो कोतरी होती है वो बाहर जाके देखने लगती है लेकिन उसको कुछ भी नहीं दिख रहा होता। और तभी सीडो कहते हैं वो बड़ा सा बॉल ये बड़ा सा बबल नहीं दिख रहा। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है हमारे जो वो सभी लोग एयरशिप में होते हैं। और उसके साथ ही हमें दिखाया जाता है हमारी माना कहती है कि असल में मेरे बड़े भाई को वो सब चीज़ें देखने लगी है जो कि नॉर्मल ह्यूमन को नहीं देखती, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मुझे अपना लेवल अप करना चाहिए और मुझे ट्रेनिंग करनी चाहिए। जहाँ पर सीडो कहता है कि मुझे लगता है ये सब करने की तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है। और दूसरे सीन में जहाँ पर कोतरी कहती है उस जगह को अच्छे से स्कैन करो। और तभी कोतरी बोलती है मुझे लग रहा था कि वो शायद से DEM का कुछ स्पेशल हथियार वगैरह हो सकता है। और उस टाइम पर उनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कहने लगते हैं उसका जो वेव्स है वो हमको दिख चुका है। और वो कहने लगते हैं ये जो बबल है वो असल में 100% स्प्रिट एनर्जी से बना हुआ है। और इसके बाद इस चीज़ को सुन के हमारी जो कोतरी होती है वो कहने लगती है असल में ये क्या है। और तभी रेना उसको समझाते हुए कहती है असल में जितने भी सीडो स्पिरिट को सील किया है उन सब की इमोशन इसके अंदर बह रही है, और जिसके वजह से हमारी कोतरी कहती है तुम कैसी बातें कर रहे हो। और सीडो पूछता है कि लेकिन वो एनर्जी सारे तो मेरे अंदर है ना। और तभी रेना कहने लगती है दूसरे शब्दों में तुम लोगों की इमोशन बाहर लीक हो चुकी है। और उस टाइम पर एक लड़की कहती है असल में ऐसा हो सकता है क्योंकि सीडो बस एक ही लड़का है, और हाँ तुम पांच लड़कियां हो तो ऑब्वियसली बात है कि जलन तुम लोगों के अंदर होगी। और अगले सीन में रेना कहने लगती है हमें इसको जल्दी ख़त्म करना होगा नहीं तो ये तबाह हो सकता है। जहां पर रेना बोलते हैं कि इस बारे में तुम किसी स्पिरिट को मत बताना सीडो। और तभी कोतरी कहने लगती है क्या हम लोगों के पास और कोई आइडिया नहीं है। और तभी रेना कहती है कि नहीं हम लोग के पास और कोई भी आइडिया नहीं है।
और हाँ सिरो तुमको ये करना पड़ेगा। और इसके बाद हमें दिखाया था सिडो के घर का सीन, जहाँ पर हमें उनका प्लान के बारे में पता चलता है, जहाँ पर तोगा कहते हैं कि क्या हम लोग को फिर से सिडो के साथ डेट पर जाने को मौका मिलेगा। और उस टाइम पर हमारी रेना कहने लगती है हाँ, और तब सिडो कहता है कि हाँ तुमने सही सुना। और जहाँ पर हमारी कोतरी कहती है कि तुम सभी लोग सिडो के साथ अपने डेट को बहुत ही अच्छा बनाओ। और उसके साथ हमें दिखाते मिकू कह दिया कि मुझे खुशी है कि मैं फिर से डार्लिंग के साथ डेट पर जा सकती हूँ। और अगले से हमें दिखाते वो लोग नंबरिंग को चूज़ करने लगते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारी कागुया को एक नंबर और मिको को दो नंबर, और तभी हमारी युसिनो को तीन नंबर, और उसके साथ ही हमारी यूजर को चार नंबर, और तभी हमारी जो कुतुरी है उसको पाँच नंबर और तोगा को छः नंबर मिलता है। और उसके बाद हमें दिखाते जहां पर हमारी रेनासन कहने लगती है तुम लोग अपने डेट के बारे में प्लान करो, तुम लोग क्या क्या करोगे। और तभी हमारे कागुया कहने लगते हैं कि असल में मैं अपने डेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ें प्लान करके रखूँगी, जिसकी वजह से मैं सिडो को एक बहुत अच्छी तरीके से डेट दे पाऊँ। और हमें अगले सीन में दिखाते जहाँ पर कोतरी कहती है तुम लोग को जो करना है करो, लेकिन किसी के डेट के अंदर इंटरफेयर मत करना। और उसके बाद हमारे कोतरी कहती है कि सिडो तुम भी कुछ कह सकते हो। और उस टाइम में सिडो कहता है कि मैं बस इतना कहूँगा कि मुझे तुम सब लोगों के साथ जाने में खुशी होगी। और उसके बाद हमें दिखाते जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर सिडो विंडो के बाहर देखने लगता है, और वो नोटिस करता है कि वहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई थी। और तभी अचानक से हमें दिखाया था वो लड़की भी मिस्टीरियस तरीके से हमारे सिडो को देख रही होती है। और दूसरे सीन में अचानक से वो लड़की उस जगह से गायब ही हो जाती है, जैसे कि मानो वो वहाँ पर थी ही नहीं। और हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर वो लड़की कहीं पर जा रही होती है। और उस टाइम पर हमारी जो कुरुमी होती है वो उस लड़की को देख के कह रही होती है तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गई। और हमें अगले सीन में दिखाया था जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर सिडो असल में डेट के लिए वेट कर रहा होता है, और उस जगह पर हमारी कागुया भागती हुई आ रही होती है और कहती है कि सिडो मैं यहाँ पर हूँ। और उसके बाद वो कहने लगती है मुझे माफ़ करना, मैं इस ड्रेस को पहनने के लिए थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गई। जहाँ पर सिडो कहता है कोई बात नहीं, तुम इस ड्रेस में बहुत ही अच्छी लग रही हो। और उसके बाद हमें दिखाया था इस बात को सुन के हमारी जो कागुया होती है बहुत ही खुश लगने लगती है। और तभी सिडो कहते हैं चलो हम लोग इस डेट को शुरुआत करते हैं। और इन सब लोगों को हमारे तोका योसिन और बाकी सब लोग देख रहे होते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया था हमारे कागुया और सिडो वो दोनों हाथ पकड़ के डेट शुरू करने लगते हैं। और तभी सिडो कहते हैं पहले हम कहाँ जाने वाले हैं, और तभी हमारी कागुया कहती है कि हम इस गली के अंदर एक रेस्टोरेंट है, हम लोग वहाँ पर जाने वाले हैं। और तभी सिडो कहते क्या इस गली के अंदर एक रेस्टोरेंट है, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। और तभी हमारी जो कागुया होती है वो असल में एक डेटिंग बुक अपन पास रखी थी, और वो डेटिंग बुक में सभी जगह के बारे में पता करने लगती है। और अगले सीन में दिखाया जहाँ पर कागुया कहती है चलो, और उसके बाद वो दोनों उस गली के अंदर जाते हैं, लेकिन वो लोग नोटिस करते हैं कि उसके सामने एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। जहाँ पर सिडो कहता है ये तो बस छोटा सा रेस्टोरेंट है, यहाँ पर बस एक ही रेस्टोरेंट है। और तभी हमारे कागुया कहते हैं कि बट यहाँ पर तो, और फिर से उस डेटिंग बुक को देखने लगती है। और तभी सिडो कहता है कोई बात नहीं चलो इसके अंदर जाके कुछ खा लेते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाते जहाँ पर वो लोग खाना खा के आ चुके होते हैं, और तभी सिडो कहते हैं खाना बहुत ही बढ़िया था। और तभी कागुया कहते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तुमको गलती से यहाँ पर ले आई। और उस टाइम भी सिडो कहते कोई बात नहीं, और तभी कागुया कहने लगती है चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक और जगह पर लेके जाती हूँ। और अगले समय दिखाते जहाँ पर कागुया उसको फिर से एक गली के अंदर से किसी और जगह पर लेके जाने लगती है। और तभी वो कहने लगती है कि यहाँ पर एक फैंसी मॉल था, लेकिन ये क्या आ गया। और तभी हमें दिखाया था उसके सामने एक बहुत ही बड़ा गेमिंग सेंटर होता है। और तभी हमारे सिडो कहने लगता है शायद तुम पुरानी मैप से कुछ देख रही हो। और तभी कागुया इसको मना करती है, लेकिन वो अगले सीन में सिडो और कागुया वो दोनों ही गेम सेंटर में जाकर गेम खेलने लगते हैं। और उसके साथ ही हमें दिखाया था वो दोनों बहुत ही इंजॉय कर रहे होते हैं, और वो दोनों बहुत ही अलग अलग तरीके के गेम खेल रहे होते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया था कागुया इस सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश लग रही होती है। और उसके साथ हमें दिखाया जहाँ पर सिडो और कागुया बैठ के खाना खा रहे होते हैं, और तभी सिडो अपने साइड में नोटिस करता है, और वो अपने साइड में उसी मिस्ट्रेस लड़की को देखता है। लेकिन कुछ समय के बाद वो मिस्ट्रेस लड़की वो फिर से गायब हो जाती है। और तभी कागुया कहती है सिडो क्या हुआ, और तभी सिडो कहने लगता है नहीं कुछ भी तो नहीं। और अगले सीन में वो दोनों घर जाने लगते हैं। उसके बाद
कागुए सिडो कहने लगती है, मुझे माफ कर देना सिडो, मैं तुमको आज एक अच्छी डेट नहीं दे पाई। जहाँ पर कागुए कहती है कि मैं असल में इस बुक को फॉलो कर रहा था, लेकिन इस बुक में जो जगह दिखाया गया था वहाँ पर वो था ही नहीं। और तभी वो कहने लगती है, इसलिए मुझे माफ कर देना। और तभी सिडो कहते, कोई बात नहीं, तुमने अपनी पूरी कोशिश की, और हाँ मुझे आज की डेट में बहुत ज़्यादा मजा आया तुम्हारे साथ। और उसके साथ हमें दिखाया था जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, और हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर कागुए कह रही होती है, सिडो आज की डेट के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और उसके बाद वो अपने घर जाने लगती है। और हमें अगले सीन में दिखा दी स्पेसिफिक का सीन, जहाँ पर हमारी कोतोरी कह रही होती है ये काम कर रहा है असल में, उसकी जो कागुए की जो स्पिरिचुअल पावर है और इमोशन है वो कम हो चुकी है। और अगले सीन में दिखा दी जहाँ पर हमारी जो कागुया होती है वो बहुत ज़्यादा खुश लग रही होती है, और उसको हमारी तोका और युजुरु और युसिनो भी देख रहे होते हैं। और तभी वो लोग कहने लगते हैं कि वो जब से घर आई है वो बहुत ही खुश लग रही है। और उसके बाद हमें दिखा था जहाँ पर हमारे सिडो और मिको वो दोनों डेट के लिए आए थे। और उस टाइम पर हमारा सिडो कहने लगता है, तुम मुझे यहाँ पर लाने से पहले तुम बता सकती थी, क्योंकि मैं जिस तरह के कपड़े पहन के आया हूँ मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये सूट कर रहा है। और तभी हमारे मिको कहने लगती है, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये तुम पर सूट कर रहे हैं। और हमें अगले सीन में दिखा जहाँ पर मिको कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ बाहर जाऊँ किसी डेट के हिसाब से, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक चीज लेके आई हूँ। उसके बाद मिको कहने लगती है, देखो तुम्हारे हाई स्कूल का लड़कियों वाला ड्रेस। और तभी हमारे सिडो कहने लगता है, रुको रुको मैं ये काम फिर से करना नहीं चाहता। और उस टाइम पे हमें दिखा जहाँ पर मिको कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक नॉर्मल डेट करना चाहती हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। मैं कब से तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहती थी एक डेट पर, लेकिन मैं जा ही नहीं पा रही क्योंकि मैं एक बहुत ही मशहूर पॉप आइडल हूँ। जहाँ पर हमारे सिडो कहने लगता है, अब हम क्या ही कर सकते हैं। और हमें अगले सीन में दिखा जहाँ पर बहुत सारे लोग किस चीज़ को देख के बहुत ही शौक रहते हैं, वो असल में और किसी को नहीं हमारी मिको को और हमारे सिडो जो लड़की बन के सियोरी सान बनी थी उसको देख के बहुत ही शौक रहते हैं। जहाँ पर मिको कहती है, चलो अब से हमारा डेट शुरू होता है सियोरी। और अगले सीन में दिखा जहाँ पर मिको सियोरी को एक ड्रेस दुकान पे लेके जाती है। और उसके साथ ही हमें दिखा जहाँ पर हमारा जो सिडो होता है वो अलग अलग तरीके के लड़कियों वाले ड्रेस को ट्राई करने लगता है। जहाँ पर हमारे मिको कहती है, सिडो तुम हर कपड़े में बहुत ही अच्छा लग रहे हो, ठीक है मुझे चूज़ करने दो। उसके बाद वो एक कपड़े को चूज़ करती है और कहती है कि मुझे ये कपड़ा पसंद आया, लेकिन मुझे लगता नहीं कि तुम इस कपड़े को अकेले पहन सकती हो। और हमें अगले सीन में दिखा जहाँ पर हमारा सिडो कहने लगता है, नहीं नहीं तुम मेरे पास भी नहीं आओगे। और उसके बाद हमें दिखा जहाँ पर मिको उसके पास आके उसके ड्रेस को चेंज करने लगती है। और हमें अगले सीन में दिखा जहाँ पर हमारी मिको कुछ शॉपिंग करने के लिए आती है और कहने लगती है, यहाँ पर जितने भी सारे हैट्स हैं मुझे सभी हैट्स चाहिए, मुझे सभी हैट्स को पैक करवा दो। और हमें अगले सीन में दिखाया जहाँ पर वो और भी बहुत सारा कुछ सामान ले रही होती है। और हमें दूसरे सीन में दिखाया था वो इतना ज़्यादा सामान हो जाते हैं कि उसको ले जाने के लिए एक ट्रक को मंगवाना पड़ता है। और हमें अगले सीन में दिखा जहाँ पर हमारा सिडो कहता है, तुम इस सबका क्या करोगी मिको। और तभी हमारी मिको कहने लगती है, असल में आज का हमारा डेट तुम्हें कैसा लगा डार्लिंग। और तभी हमारा सिडो कहने लगता है, सच बताऊँ तो लड़की बनना बहुत ही मुश्किल होता है। और अगले सीन में दिखा जहाँ पर हमारा सिडो अपने सामने किसी चीज़ को नोटिस करता है और वो अपने सामने उसी मिस्ट्रियस लड़की को देखता है जो लड़की उसको देख रही होती है। और तभी हमारा जो सिडो होता है वो असल में फिर से अपने विग को मतलब लड़कियों वाले बाल को पहन लेता है। और तभी मिको कहती है कि क्या हुआ, वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। और उसके बाद हमें दिखाया जहाँ पर मिको सिडो को कहने लगती है, डार्लिंग असल में तुम्हें अजीब व गरीब चीज़ें दिखने लगी है। और हमें अगले सीन में दिखा जहाँ पर सिडो मिको को घर छोड़ने आया हुआ होता है। और उसके साथ हमें दिखाया मिको कहती है कि बहुत समय बाद हम दोनों ऐसे बाहर कहीं घूमने गए थे, मैं चाहती हूँ कि हम लोग फिर से जाएं। और तभी सिडो कहता है कि मैं मंजूर तो हूँ लेकिन सियोरी के साथ नहीं। और हमें अगले सीन में दिखा जहाँ पर उन दोनों की जासूसी हमारी कागुया योशिनो और तोका कर रही होती है। और हमें अगले सीन में दिखा जहाँ पर हमारी जो यूजरू होती है वो किसी को कॉल लगा रही होती है और वो कहने लगती है, ओरिगामी मास्टर असल में कल सिडो को मुझे एक डेट पर लेके जाना है। और तभी हमारी ओरिगामी कहने लगती है, तो ठीक है सिडो के साथ तुम यहाँ पर आ सकते हो। और अगले सीन में दिखा जहाँ पर रात हो चुकी थी और सिडो का घर का सीन। और उस टाइम पर हमारा सिडो सोफे पर बैठा हुआ था और उसके पीछे कोतरी आती है और कहती है कि सिडो कैसे चल रहा है। और तभी हमारा सिडो कहने लगता है, मैं बहुत ही थक चुका हूँ, क्या तुम बस कर सकती हो। और उसके बाद हमें दिखा जहाँ पर कोतरी कहती है कि हमारा जो प्लान है वो काम करने लगा है। और हमें अगले सीन में दिखा जहाँ पर वो मिस्ट्रियस से लड़की वो सिडो के घर के बाहर खड़ी हुई होती है।
और हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर सीडो एक सीरेन के पास आया हुआ होता है और उसके साथ ही हमें दिखाता है उस जगह पर हमारी योशिनो उसकी वेट कर रही होती है और उसके साथ ही हमारी योशिनो कह लगती है, सीडोसान आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए। और हमें अगले सीन में दिखाया जहाँ पर सीडो योशिनो से पूछने लगता है तो असल में आज का हमारा प्लान क्या है, और तभी हमारी जो योशिनो के वो कहने लगती है सीडो क्या तुम्हें ये जो सिरन है इसके बारे में तुम्हें याद है, और तभी सीडो कहने लगता है हाँ मुझे याद है तुम यहाँ पर मतलब हम दोनों यहाँ पर पहली बार मिले थे। और उसके बाद हमें दिखाया जहाँ पर सीडो कहने लगता है तुम इस पेड़ के पास आके गिर गई थी तुम्हें याद है ना, और अगले सीन में दिखाया जहाँ पर सीडो और योशिनो वो दोनों ही विशेस कर रहे होते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जहाँ पर वो दोनों हाथ पकड़ के कहीं पर जाने लगते हैं और तभी हमारी योशिनो कहने लगती है हम लोग कहीं और जाने के बजाय हम लोग यहाँ पर रह सकते हैं, और तभी सीडो कहता है कि हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं ये बहुत ही अच्छी जगह है। और उस टाइम पर हमारी योशिनो इस चीज़ को सुन के बहुत ही खुश हो जाती है और कहते कि थैंक यू सीडोसान। और हमें अगले सीन में दिखाया जहाँ पर हमारी जो योशिनो होती है वो लुका छुपी खेल रही होती है और उस टाइम पर वो योशिनो सीडो को पकड़ लेती है और कहते कि सीडोसान मैं तुमको ढूंढ लिया, और उसके साथ ही हमारा सीडो कहने लगता है बहुत ही अच्छे योशिनो तुमने कर दिखाया। और उसके बाद हमें दिखाया जहाँ पर सीडो योशिनो से पूछने लगता है कि तो आगे हम क्या करेंगे, और तभी योशिनो बोलती है असल में ये वो चीज़ क्या है मैं कब से उसको नोटिस कर रही थी, और तभी सीडो कहने लगता है ओ वो चीज़ वो असल में फॉर्च्यून है मतलब तुमको कैसा फॉर्च्यून्स मिलता है। और उसके बाद हमें दिखाया जहाँ पर सीडो और योशिनो वो दोनों फॉर्च्यून कार्ड को चूज करने लगते हैं, और उसके बाद हमें दिखाया था उन दोनों को कोई ज़्यादा अच्छा फॉर्च्यून तो दिख नहीं रहा होता है। और उसके साथ ही हमें दिखाया था जहाँ पर उन दोनों को उस फॉर्च्यून को उस जगह पर बांध देते हैं, और अगले सीन में दिखाया था जहाँ पर सीडो और योशिनो वो दोनों इस जगह पर जाके बैठ जाते हैं, और उसके साथ ही हमारे सीडो और योशिनो वो दोनों का डेट ख़त्म होता है। और तभी सीडो कहते हैं मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया है आज के डेट में ठीक है इस सब के लिए तुम्हारा थैंक्स योशिनो, और तभी हमारे सीडो और योशिनो वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए उस जगह से जाने लगते हैं। और अगले सीन में दिखाया था जहाँ पर उन दोनों को वो मिस्ट्रियस लड़की देख रही होती है, और उसके बाद हमें दिखाया था वो मिस्ट्रियस लड़की कहने लगती है ये बबल फिर से चेंज होने लगा है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारी तोका होती है वो असल में योशिनो से पूछ रही होती है कि असल में तुमने क्या क्या चीज़ किया, और उसके बाद वो कहने लगती है तुम्हारा शुक्रिया योशिनो तुम्हारी वजह से मैं सीडो को एक बहुत ही अच्छी डेट दे सकती हूँ तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। और हमें अगले सीन में दिखा था जहाँ पर असल में यूजुरु सीडो के डेट के लिए आई हुई होती है क्योंकि उसका तीसरा नंबर पड़ा था, और तभी सीडो कहने लगता है गुड मॉर्निंग यूजुरु, और उस तभी हमारी जो यूजुरु कहने लगती है असल में क्या मैं अजीब दिख रही हूँ, और तभी सीडो कहने लगता है नहीं तुम बहुत ही अच्छी दिख रही हो। और इन सब चीज़ों का हमारी तोका कागुया और योशिनो भी नोटिस कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें दिखा है जहाँ पर यूजुरु सीडो एक जगह पर लेके आती है, और वो जगह असल में एक गैलरी एट म्यूजियम होता है, उस जगह पर वो दोनों फोटोज़ को देखने लगते हैं, और उस टाइम पे यूजुरु कहने लगती है मुझे हमेशा से पेंट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और उसके बाद हमें दिखा था जहाँ पर यूजुरु और सीडो वो दोनों एक शॉपिंग मॉल में आए थे, और उस टाइम पर यूजुरु को एक लॉकेट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, और तभी हमारा सीडो कहने लगता है तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए खरीद सकता हूँ। और जिस चीज़ को सुन के हमारी जो यूजुरु होती है वो बहुत ही खुश हो जाती है और कहते कि सीडो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें अगले सीन में दिखा था जहाँ पर यूजुरु और सीडो कहीं पर जा रहे होते हैं, और उस टाइम पर हमारी यूजुरु अपने पॉकेट में से एक पर्ची को निकालती है, और उसके साथ ही वो कहने लगती है ओरिगामी ने मुझे कहा था कि उसके वार्ड 603 में उसको लेके आने को मतलब सीडो को लेके आने को। उसके बाद हमारी यूजुरु अपने मन में कहने लगती है मुझे कुछ ठीक नहीं लगता, और उसके बाद हमारी जो यूजुरु होती है वो सीडो को लेके एक कपल्स होटल में चली जाती है। और उसके बाद का सीन दिखाया था एक हॉस्पिटल का सीन जहाँ पर ओरिगामी रहती है, और ओरिगामी को देखने के लिए उसके दोस्त लोग आए थे, जहाँ पर एक लड़की कहती है ओरिगामी तुम कैसी हो, और तभी वो लड़की अचानक से एक ट्रैप के अंदर फंस जाती है, और वो ट्रैप के साथ बंधे होते हुए वो अचानक से हमारे ओरिगामी के पास गिरती है, और तभी वो लड़की कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो ओरिगामी। और उस टाइम पर हमारी ओरिगामी कहने लगती है असल में तुम वो नहीं हो जिसको मैं चाहता था या चाहती थी। और हमें अगले सीन में दिखाया जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर सीडो और हमारी यूजर उन दोनों का डेट ख़त्म हो चुका होता है, और तभी हमारी जो यूजर कहने लगते हैं मुझे माफ़ कर देना, और तभी सीडो कहते हैं हाँ तुमने सही कहा असल में वो मेरी भी गलती थी। और तभी हमें दिखाया जहाँ पर हमारी जो यूजर होती है वो सीडो को कपल्स होटल में लेके जा चुकी होती है, जहाँ पर उनको बाद में पता चलता है कि वो कैसी जगह है।
जिसकी वजह से बोलर शर्माते हुए बाहर आते हैं और अगले सीन में दिखाते जहाँ पर यूजर कहे देगी मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं इस लॉकेट का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखूंगी। और अगले सीन में दिखाते जहाँ पर वो मिस्ट्रियस लड़की यूजर की तरह ही उस लॉकेट को पसंद करती है और कहती है कि क्या ये लॉकेट मुझ पर अच्छा लगता है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं एयरशिप के अंदर जहाँ पर हमारी कोतरी कहने लगती है असल में जो स्पिरिट के इमोशन है वो कम होने लगे हैं और उसके साथ ही उसके जो कमांडर होते हैं वो कहने लगते हैं असल में इसके बाद आप सीढ़ियों के डेट पे जाओगे और इस टाइम को लेके मतलब इस चीज़ को लेके सभी लोग हमारी कोतरी को चेयरअप करने लगते हैं और उसके साथ ही कोतरी गुस्से में आके कमांडर को एक किक मारती है। और अगले सीन में दिखाते जहाँ पर हमारी माना कोतरी को आकर समझाने लगते हैं कि मैं एक बहन होने के नाते तुमको हौसला दे सकती हूँ और तभी हमारी कोतर कहने लगती है मैं समझ चुकी हूँ और वो शर्माने लगती है। और अगले सीन में दिखाया जहाँ पर एक मार्केट कॉम्प्लेक्स का सीन उस जगह पर हमारी कोतरी और सीडो बोलर शॉपिंग कर रहे होते हैं और उस टाइम पर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी कोतरी कहने लगती है आज मुझे तुम्हारे साथ पूरा दिन बिताना है एक डेट के हिसाब से तो मैं चाहती हूँ कि हम दोनों नॉर्मल भाई बहन के हिसाब से बिताए। और तभी कोतरी उस जगह से कैंडी उठाती है और कहती है सीडो क्या मैं इसको ले सकती हूँ और तभी सीडो कहते हैं हाँ तुम जाओ तो इसको ले सकती हो। और अगले सीन में जहाँ पर वो दोनों घर जाने लगते हैं और उस टाइम पर हमारी जो कोतरी होती है वो अपने ब्लैक कलर के रिबन को निकालते हुए अपने सिर में व्हाइट कलर के रिबन को पहन लेती है। उसके बाद हमें दिखाते हैं जहाँ पर कोतरी कहती है कि ठीक है मुझे इसको दे दो मैं इसको ले घर को जा सकती हूँ। और उसके बाद हमें दिखाते हैं जहाँ पर वो दोनों हाथ पकड़ते हुए घर को जाने लगते हैं और उसके बाद हमारी कोतरी और सीडो वो दोनों खाना बना रहे होते हैं और उस टाइम पर कोतरी कहती है सीडो ये देखो ये अच्छा है ना और तभी सीडो कहता है ये डॉग बहुत ही अच्छा दिख रहा है और तभी वो कहती है एक बनी है ना कि कोई डॉग। और हमें अगले सीन में दिखा जहाँ पर सीडो कहता है मुझे माफ़ कर देना और तभी कोतरी कहती है कि तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। और अगले सीन में दिखा जहाँ पर कोतरी कैंडी को खाने वाली होती है लेकिन सीडो उसके पास आता है और कहता है कि डिनर से पहले कैंडी खाना अलाउ नहीं है यहाँ पर। और हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारा सीडो कहने लगता है कोई बात नहीं तुम जब डिनर कर लोगी उसके बाद मैं तुमको कैंडी खाने को दूंगा। और उसके बाद हमें दिखा था जहाँ पर वो दोनों हैम को पका रहे होते हैं और उसके साथ हमें दिखा जहाँ पर कोतरी कहती है ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है। और उसके साथ ही हमें दिखा जहाँ पर हमारी तोका बोलती है उनके रास्ते में आने के लिए मना किया गया है बट मुझे भूख लगी है। और हमें दूसरे सीन में दिखाया था इन दोनों को असल में हमारी कोतरी नोटिस कर लेती है और उस टाइम पर हमारे सीडो कहते हैं तुम दोनों चाहो तो आ सकते हो खाने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद हमें दिखाया जहाँ पर इस चीज़ को सुन के यसिनो और हमारी तोका वो दोनों ही बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसके साथ ही वो चार लोग मिलकर डिनर करने लगते हैं। और तभी तोका कहने लगती है असल में तुम्हारा जो खाना है वो बहुत ही स्वादिष्ट है। और उसके साथ ही योशिनो बोलती है कि हाँ सीडोसान तुम्हारा खाना बहुत ही लाजवाब है। और उस टाइम पर हमारा सीडो जो होता है वो कहने लगता है मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता जैसे सभी लोग बनाते हैं मैं वैसे नॉर्मली खाना बनाता हूँ। और हमें अगले सीन में दिखा जहाँ पर सीडो किचन में कुछ डालने के लिए जाता है लेकिन वहाँ पर वही मिस्ट्रेस से लड़की खड़ी हुई थी और तभी सीडो कहने लगता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और उस टाइम पर हमारी कोतरी कहती है सीडो क्या हुआ क्या कोई दिक्कत है। और उस टाइम पर सीडो कहता है कि नहीं कुछ भी नहीं। और अगले सीन में जैसे सीडो अपने सामने देखता है तो मिस्ट्रेस लड़की गायब हो चुकी होती है और दूसरे सीन में हमें दिखाता है जहाँ पर मिस्ट्रेस लड़की उनके घर के बाहर खड़ी हुई थी और वो उस टाइम पे कोतरी का जो चॉकलेट था या कैंडी था उसको खाने लगती है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर सीडो दरवाजे खोल के बाहर को भी चेक करने के लिए आता है लेकिन उसको बाहर कोई भी नहीं मिलता। उसके बाद वो रोड के ऊपर चेक करने आता है और कहने लगता है यहाँ पर कौन था। और उस टाइम पर उस जगह पर हमारी कुरुमी सुमन होती है कुरुमी उस जगह पर चली आती है और तभी हमारी कुरुमी को देख के सीडो कहने लगता है क्या तुम किसी का पीछा कर रही हो। और तभी हमारी कुरुमी कहने लगती है असल में तुम्हारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हो रही है जैसे कि तुम देख ही सकते हो ऊपर आसमान में एक बहुत ही बड़ा गुब्बारा जिसको मैं अभी यहाँ पर देखने आई हूँ। और उस टाइम पर सीडो कहने लगता है कुरुमी क्या तुम इसको देख सकती हो। और तभी कुरुमी कहती है हाँ बिल्कुल क्योंकि मेरा जो स्पिरिट एनर्जी है वो अभी तक सील नहीं हुआ तो मैं इसको देख सकती हूँ। और उस टाइम पर हमारा सीडो कहता है कि तो बताओ कुरुमी असल में क्या चीज़ है। और उस टाइम पे कुरुमी कहती है तुम्हारे हिसाब से तुम डेट पे जाके उन लोगों के इमोशन ख़त्म करके इसको ख़त्म कर सकते हो लेकिन इसके अलावा यहाँ पर तुमसे कोई मिलने आया है। और तभी हमें दिखा जहाँ पर सीडो
अपने सामने वही मिस्ट्रियस सी लड़की को नोटिस करता है और जहाँ पर सिडो से पूछने लगता है, तुम कौन हो और तुम मेरे पीछे क्यों कर रही हो? और उस टाइम पर हमारी कुर्मी कहती है, मैं तुमको एक सलाह दूंगी, इंसान हो या स्पिरिट, वो लोग खुद के दिल को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। और तभी वो दोनों ही उस जगह से चले जाते हैं और हमें अगले सीन में दिखा दे जहाँ पर हमारे सीडो कहने लगता है, सुनो मेरी बात अभी तक पूरी नहीं हुई। और उस टाइम पर हमारी तोका होती है वो कहने लगती है, सीडो मैं अपने डेट के लिए कब से इंतज़ार कर रही हूँ। और तभी सीडो कहते हैं, हाँ ठीक है, कल हम लोग डेट पे जाएंगे। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर दिखाया जाता है कि हमारी तोका सीडो के साथ डेट पे जाने के लिए वेट कर रही होती है। और तभी हमारी तोका सीडो को देखते हुए कहने लगती है, सीडो मैं यहाँ पर हूँ। और उस टाइम पे हमारा सीडो भी तोका के पास आने लगता है और हमें बताया जाता है कि असल में जो तोका थी वो डेट के लिए पूरे एक घंटे पहले ही आ गई थी। और तभी हमें दिखा था जहाँ पर उन लोगों को कागुया, युजुरू, मीकू और योशिनो वो चारों लोग देख रहे होते हैं। और अगले सीन में दिखा था जहाँ पर हमारी तोका कहती है, सीडो चलो मेरे साथ, मेरे पास बहुत सारे प्लान्स है। और उसके बाद हमें दिखा था जहाँ पर सीडो और तोका खाना खा रहे होते हैं और उस टाइम पर सीडो कहने लगता है, ये खाना बहुत ज़्यादा अच्छा है। और तभी हमें दिखा था जहाँ पर सीडो एक बाइट लेता है, उसके साथ ही उसका मुंह बहुत ज़ोर से जलने लगता है क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा ही गर्म था। और उस टाइम पर तोका सीडो को पानी पिलाने लगती है और बोलती है, सीडो क्या तुम ठीक हो? और तभी सीडो कहता है कि तोका तुम्हारा शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उसके बाद हमें दिखाया जहाँ पर तोका कहने लगती है, उसके बाद हम लोग ताकोयाकी खाएंगे। और वो कहने लगती है, यहाँ पर जितने सारे दुकान हैं हम लोग सभी दुकानें का खाना खाते रहेंगे। जहाँ पर सीडो कहने लगता है, रुको तोका, क्या तुम ये बोल रहे हो कि हम पूरे डेट के टाइम बस खाना ही खाते रहेंगे? और तभी तोका कहती है, हाँ तुमने सही कहा, इसका कारण ये है कि मैंने सभी लोगों के डेट को नोटिस किया जिसके वजह से मैं यहाँ पर आके पहुँच गई, हम लोग खाना खाते हुए डेट को ख़त्म कर सकते हैं। और तभी तोका सीडो से पूछने लगती है, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? और तभी सीडो कहते, ऐसी कोई बात नहीं है। और उसके बाद वो दोनों जाके फिर से एक स्टॉल से खाना खरीदने लगते हैं। और अगले सीन में दिखा जहाँ पर उनको वो मिस्ट्रियस सी लड़की नोटिस कर रही होती है। उसके बाद वाले सीन में दिखा है जहाँ पर ओरिगामी के दोस्त उससे मिलने के लिए आए थे, लेकिन वो लोग नोटिस करते हैं कि ओरिगामी उस जगह से भाग चुकी होती है। और हमें अगले सीन में दिखा है जहाँ पर सीडो और तोका वो दोनों के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आए थे। और उस टाइम पे हमें दिखाया था जहाँ पर हमारी तोका कहती है, सच में ये जो खाना है वो बहुत ही अच्छा है। और उस टाइम पर हमारा सीडो कहता है, लेकिन यहाँ पर जो तो जाम है वो ख़त्म हो चुका है। और उस टाइम पर अचानक से कोई उसको एक न्यू जाम का बोतल ला के देता है। तभी सीडो कहने लगता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वो सीडो नोटिस करता है कि उसके सामने और कोई नहीं, वही मिस्ट्रियस सी लड़की बैठी हुई थी। जहाँ पर मिस्ट्रियस सी लड़की कुछ कहने वाली होती है तभी अचानक से सीडो खड़ा होता है और बोलता है कि तुम्हें हम सर कब से हो? और उस जगह पर हमारी ओरिगामी भी चली जाती है। ओरिगामी कहने लगती है, सीडो मैंने तुमको ढूंढ लिया। और उस जगह पर ओरिगामी सीडो के पास आती है और बोलते हैं कि तुमने उस दिन चेकअप के लिए मेरे पास क्यों नहीं आए? और उस जगह पर तोका कहने लगती है, मैं भी यहाँ पर हूँ, मुझे अनदेखा मत करो। लेकिन हमारे ओरिगामी बस सीडो से बातें करने में लगी हुई थी, जिसको नोटिस करते हुए तोका कहने लगती है, असल में आज सीडो मेरे साथ डेट पे आया है, तो तुम फिर कभी आके सीडो से बात कर लेना। लेकिन उस टाइम पर वो दोनों के अंदर झगड़ा हो जाता है और पीछे से वो जो मिस्ट्रियस से लड़की सीडो को कुछ कहने वाली होती है, लेकिन वहाँ पर अचानक से ओरिगामी के जो दोस्त थे वो वहाँ पर चले आते हैं और कहते हैं कि ओरिगामी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। और तभी हमारी जो ओरिगामी होती है वो बहुत तेज़ी से छलांग मारते हुए उस रेस्टोरेंट से बाहर चली आती है। और उसके बाद ओरिगामी उस जगह से भागते हुए चली आती है और कहती है कि सीडो हम लोग बाद में बात करेंगे। और उसके साथ ही तोका कहने लगती है, असल में उसका दिक्कत क्या है? और उस टाइम पर हमारा सीडो नोटिस करता है कि वो जो मिस्ट्रेस लड़की थी वो उस जगह पर नहीं होती है, वो लड़की असल में उस जगह से भाग के कहीं पर जाने लगती है। और उस टाइम पर हमारा सीडो और तोका वो दोनों फिर से खाना खरीद रहे होते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया था सीडो और तोका और एक दूसरी जगह पर चले आते हैं। जहाँ पर तोका कहती है, सीडो क्या तुम्हें इस जगह के बारे में याद है? और तब सीडो कहते हैं, हाँ असल में मुझे इस जगह के बारे में याद है। और तोका कहने लगती है, इस जगह पर हमारी बहुत ही अच्छी यादें बनी थी। और उसके साथ ही हमारा सीडो कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा। और तोका कहती है, तो आज रात के डिनर में क्या है? और तभी सीडो कहते हैं, मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है। और उसके बाद हमें दिखाया था जहाँ पर वो लड़की उन दोनों के सामने चली आती है और उस टाइम पर वो लड़की कहने लगती है, सीडो मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। और तभी सीडो कहते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी जो तोका होती है वो कहने लगती है, सीडो तुम किससे बात कर रहे हो? और उसके बाद तोका
सामने अच्छे से देखने की कोशिश करती है, लेकिन वो नोटिस करती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता। और उसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर सीडो तोका वो कहने लगता है कि तोका मुझे माफ़ करना है, लेकिन मुझे कुछ काम है। और उसके बाद सीडो उस लड़की से बातें करने के लिए जाता है जहाँ पर वो लड़की कहती है कि सेरवुल और मुझे, हम दोनों को इस जगह पर आना ही नहीं चाहिए था। असल में सेरवुल उस बबल का नाम होता है। और इस बात को सुनते हुए हमारा सीडो कहने लगता है असल में तुम दोनों को मुझसे क्या चाहिए। और तभी वो लड़की कहती है कि असल में मेरा नाम है मायूरी। और उसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर असल में सारे लोग, मतलब सभी स्पिरिट तोका के पास चले आते हैं। और तभी तोका उन सबको देखे बहुत ही शौक रहती है। और तभी मायूरी कहने लगती है जहाँ पर बहुत सारे स्पिरिट एनर्जी इकट्ठा होते हैं, हमारा पैदा उस जगह पर होता है। और तभी सीडो कहता है कि यदि वो बबल ख़त्म हो गया तो तुम भी ख़त्म हो जाओगी। और इसको सुनते हुए मायूरी कहने लगती है हाँ बिल्कुल तुमने सही बात कहा, असल में ये बात ऐसे कि हमारा काम ही ऐसा है कि जहाँ पर स्पिरिट एनर्जी होता है मैं वहाँ पर पैदा होती हूँ। जिसको सुनते हुए सीडो कहने लगता है लेकिन मैं ऐसा कभी खोने नहीं दूंगा। और उस टाइम पर मायूरी कहने लगती है ये तुम्हारा तोका के साथ लास्ट डेटिंग था, मैंने सही कहा ना। और मायूरी इतना कहते ही वो अचानक से अपने स्पिरिट फॉर्म में आने लगती है। और तभी सीडो कहता है तुम ऐसे नहीं जा सकती, जहाँ पर मायूरी जो होती है अपने स्पिरिट फॉर्म में आ चुकी होती है। और मायूरी कहने लगती है गुड बाय सीडो, मैं बस आखिरी बार तुमसे बात करना चाहती थी। और उसके साथ ही वो जो बबल होता है उस बबल के अंदर कुछ हलचल होने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जहाँ पर वो बबल वो अचानक से उसके आसपास बहुत सारे पंख आ जाते हैं, वो एक बेसल में चेंज हो जाता है। और उसके साथ ही वो सीडो के ऊपर एक ज़ोरदार हमला करता है। और जिसको देखते हुए जो एयरशिप में जो हमारी कोतूरी होती है वो बहुत ही शौक रह जाती है। और वो कहने लगती है सीडो क्या तुम ठीक हो। और उस टाइम पर हमें नोटिस किया जाता है कि सीडो को वो सारे स्पिरिट ने बचा लिया होता है। और तभी हमारी कोतोरी मायूरी और सेरवुल को देख के बहुत ही शौक रहती है। और अगले से में हमारी तोका कहने लगती है सीडो यहाँ पर क्या चल रहा है और वो लड़की कौन है। जहाँ पर सीडो कहता है कि मैं तुम सबको बाद में बताऊँगा लेकिन अभी मेरी हेल्प करो। और उसके साथ ही हमें दिखाई जहाँ पर सेरवुल के चारों तरफ बहुत तेज़ी से आँख आने लगती है। और तभी अचानक से हमारे एयरशिप भी विजिबल होने लगता है। और उस टाइम पर हमारा जो एयरशिप होता है वह अपने सारे अटैक्स को उस सेरवुल के ऊपर हमला करता है, जहाँ पर सेरवुल के ऊपर एक ज़ोरदार हमला होता है। लेकिन उस हमले को हमारा सेरवुल बहुत ही आराम से डॉज कर लेता है। और उसके साथ ही कागुया और यूजर कहने लगते हैं हम लोग जा रहे हैं उसके ऊपर हमला करने के लिए। और उसके साथ ही मिकू कहने लगते हैं ठीक है तुम लोग जाओ, मैं डार्लिंग के साथ यहीं पर ही रहती हूँ। और दूसरी सीन में दिखाई जहाँ पर हमारा सीडो कहता है कि मिकू तुम्हारा शुक्रिया। और उसके साथ ही हमारे जो मायूरी होती है वो कहने लगते हैं सेरवुल तुमने ऐसा क्यों किया। और अगले सीन में जहाँ पर हमारा स्पेसी मैक्सिमम पावर के साथ फायर करता है। और उसके साथ ही हमारा जो सेरवुल होता है वो अपने आप को डिफेंस करने में सक्सेस रहता है। जिसको देखते हुए कोतर कहने लगती है आखिरकार ये क्या चीज़ है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारा जो सेरवुल होता है वो आसमान पे बहुत ज़्यादा ऊंचा उड़ने लगता है। और उसके साथ ही वो ऊपर जाने के बाद नीचे एक बहुत बड़ा सा बॉल लॉन्च करता है या बोल सकते हैं उसको नीचे फेंकता है। और जहाँ पर वो बॉल एक पिंजरे की तरह मायरू को कैद करने लगता है। और उसके बाद उस बॉल के अंदर से दो पंख निकलता है और वो मायरू को उड़ाते हुए वो सेरवुल के पास लेके जाती है। और जिसको देखते हुए मायूरी चिल्लाते हुए कहने लगती है सेरवुल तुम ये क्या कर रहे हो, हम दोनों तो बात कर ली थी, हमने सीडो के साथ बात किया था कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। और उसके बाद हमारा जो सेरवुल होता है वो अचानक से फिर से हमला करने लगता है। उस हमले को हमारी यूसिनो और तोका और उसके साथ ही कागुया और यूजुरु भी डॉज कर रहे होते हैं। और अगले सीन में जहाँ पर ये सब चीज़ों को देखते हुए हमारी जो मायूरी होती है वो बहुत ही शौक रहती है। और उसके बाद उसको समझ में आता है कि सेरवुल जो कर रहा है वो असली मायूरी की इमोशंस है। और हमें अगले समय दिखा जहाँ पर रेनासन कहने लगती है वो असल में स्पिरिट इमोशन की वजह से वो बहुत ही ताकतवर हो रहा है। जिसको सुनते ही हमारी जो माना होती है वो बहुत ही तेज़ी से सेरवुल के ऊपर डायरेक्ट हमला करने के लिए जाने लगती है। लेकिन तभी अचानक से सीडो उसको रुकने के लिए कहता है और बोलता है कि मुझे मायूरी को बचाने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। और जहाँ पर सीडो कहने लगता है मायूरी असल में तुम लोगों की स्पिरिट एनर्जीज की वजह से वो पैदा हुई है। जिस बात को सुन के हमारी जो कोतरी होती है वो बहुत ही शौक रह जाती है। और उस टाइम पर हमारा सीडो कहने लगता है मुझे तुम सभी लोगों की हेल्प चाहिए तो तुम लोग अपने पावर्स को ले सकते हो। उसके बाद हमें दिखा है जहाँ पर वो सभी स्पिरिट, मतलब सभी के सभी स्पिरिट वो लोग चमकने लगते हैं। और उसके साथ हमें दिखा है जहाँ पर वो सभी लोग अपने रियल पावर में चले आते हैं।
और उसके बाद हमें दिखाया है जहाँ पर हमारी कोतरी और मिकू सीडो को उनके पास लाने लगती है। और तभी सीडो कहने लगते हैं मुझे तुम सबसे एक हेल्प चाहिए। और उस टाइम पर हमें दिखाया है जहाँ पर वो सभी लोग सीडो के बात सुनती है, वो लोग मायूरी को बचाने के लिए जाने लगते हैं। और दूसरे सीन में दिखाया है जहाँ पर वो जो सेरिवुल होता है वो सभी के ऊपर हमला करने लगता है। और उसके साथ ही हमें दिखाया है वो सभी लोग उस हमले से बचते हुए सेरिवुल के ऊपर हमला करने को जा रहे होते हैं। और तभी हमारी कोतरी कहती है मौका मिलते ही मैं तुम्हें सेरिवुल की तरफ फेंकूँगा, तुम समझ गए ना सीडो। और तभी अचानक से वो कहने लगती है यही मौका है हमारा, और वो हमारे सीडो को बहुत तेज़ी से सेरिवुल की तरफ फेंकने लगती है। और उस टाइम पर हमारा सीडो बहुत तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है, और इसके साथ ही वो अपने हाथ में तोका का जो स्वॉर्ड को वो सुमन कर लेता है। और उसके साथ ही वो सेरिवुल का जो शील्ड होता है उसको तोड़ते हुए वो मायूरी के पास पहुंच जाता है, और वो मायूरी को वो पिंजरा या वो केज को भी तोड़ देता है। और उसके बाद वो मायूरी के पास आकर कहने लगता है मैं यहाँ पर हूँ मायूरी। और उसके साथ ही हमारा सीडो कहता है चलो हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। लेकिन अचानक से सेरिबुल अपने प्रिजन को फिर से रिकवर करने लगता है, जिसको देखते हुए हमारी मायूरी उस प्रिजन का वीक पॉइंट सीडो को बताते हैं, जिसकी वजह से सीडो उस प्रिजन के वीक पॉइंट पर हमला करता है। और उसके बाद वो प्रिजन बिल्कुल ही टूट जाता है। और हमें अगले समय दिखाया जहाँ पर वो प्रिजन गायब होने के कारण हमारे मेन कैरेक्टर सीडो नीचे गिरने वाला होता है। लेकिन उस टाइम पर हमारे जो मायूरी होते वो अचानक से सीडो को बचा लेती है, और जहाँ पर सीडो मायूरी को शुक्रिया कहता है। और उसके बाद हमें दिखाया जहाँ पर मायूरी सीडो को उड़ाते हुए उन सभी लोगों के पास ले आता है। और तभी सीडो कहने लगते चलो हम लोगों को उस चीज़ को बर्बाद करना है। और उसके बाद हमें दिखाया था अचानक से सेरिबुल अपने आकार को चेंज करने लगता है, और उसके बाद वह स्पेसशिप की तरह दिखने लगता है। और तभी वो अचानक से एक बहुत ज़ोरदार हमला करता है, जिस हमले के कारण पहाड़ में बहुत तेज़ी से आग लग चुकी होती है, वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। और उसके साथ ही मायूरी और हमारे सीडो इस चीज़ को देख के बहुत ही शौक रह जाते हैं। और अगले सीन में दिखाया जहाँ पर हमारी कोतरी कहने लगती है रेना हमें कुछ बताओ कि हम इसको कैसे हराएं, जहाँ पर रेना उसको समझाने लगती है कि ये असल में सारे स्पिरिट एनर्जी से बनी हुई है, तो हमको इसको हराने के लिए हम लोगों को सारे स्पिरिट एनर्जी को इकट्ठा करके उसके ऊपर हमला करना पड़ेगा। और तभी सीडो कहने लगता है लेकिन हम लोग इस काम को करेंगे कैसे। और तभी अचानक से हमारी जो मायूरी होती है वो तोका के पास आती है और कहने लगती है तोका मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। और उसके बाद हमें दिखाया है जहाँ पर तोका का हाथ चमकने लगता है। और तभी हमें दिखाया है जहाँ पर हमारी जो मायूरी होती है वो कहने लगती है मैं इस सर्कल के अंदर सारे स्पिरिट एनर्जी को इकट्ठा कर रही हूँ। और तभी तोका बोलती है तो ठीक है मैं समझ सकती हूँ कि मेरे अंदर स्पिरिट की पावर आने लगी है। और उस टाइम पर सेरिबुल उनके ऊपर हमला करने वाला होता है, जहाँ पर माना कहती है तुम लोग चिंता मत करो मैं उसको जाके रोकती हूँ। और उस टाइम पर हमारी जो माना होती है वो सेरिबुल के हमले को सीधे अपने ऊपर आने को देती है, जिसकी वजह से हमारी माना का जो शील्ड होता है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से हमारी माना बहुत मुश्किल से जिंदा बचती है और कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और दूसरी सीन में दिखा है जहाँ पर हमारे जो मेन कैरेक्टर सीडो अचानक से उसके ऊपर हमला करने को जाता है, मतलब उस सेरिबुल के ऊपर हमला करने को जाता है और कहता है कि मैं तुम सभी लोगों को प्रोटेक्ट करूँगा। और जिसको देखते हुए हमारे तोका कहने लगता है सीडो तुम क्या कर रहे हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वो स्पिरिट सर्कल एक्टिव हो जाता है और वो तोका को सारे स्पिरिट एनर्जी देने लगता है। और उसके साथ ही तोका अपने न्यू फॉर्म के साथ सीडो के पास आती है, और तभी तोका बोलती है कि बाकी सब कुछ चीज़ें तुम मुझ पर छोड़ सकते हो। और उस टाइम पर हमारी जो मायूरी होती है वो सीडो को आके वहाँ से ले जाने लगती है। और तभी हमें दिखा है जहाँ पर हमारी तोका उसके सामने मतलब सेरिबुल के सामने खड़ी हुई होती है, और तभी सेरिबुल हमारी तोका के ऊपर लगातार हमला करता है, लेकिन तोका सेरिबुल के सारे अटैक को डॉज कर रही होती है। और उसके साथ ही दिखाया था जिस अटैक के वजह से आसमान में बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट या विस्फोट्स हो रहे होते हैं। और तभी हमारी तोका कहने लगती है मैं आज तुमको ख़त्म करके रहूँगी। और उसके साथ ही तोका सेरिबुल के ऊपर हमला करने लगती है, वो भी अपने स्वॉर्ड से, जिसकी वजह से सेरिबुल का वो जो पंख होता है वो टूट जाता है। जहाँ पर सीडो उस चीज़ को देखते हुए कहने लगता है कि यस हम सब लोग कर सकते हैं, हम लोग उसको हरा सकते हैं। जिसको देखते हुए मायूरी कहने लगती है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सेरिबुल अपने आप को रिजनरेट कर सकता है। जिस बात को सुन के सीडो शॉक तो रहता है, लेकिन तभी सेरिबुल अपने आप को फिर से रिजनरेट करने लगता है। और तभी अचानक से मायूरी सीडो को केस कर लेती है, और उस टाइम पर हमें दिखाया जहाँ पर तोका कहने लगती है मैं इस बार तुमको ख़त्म करके रहूँगी।
वो सर्वुल के ऊपर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन अचानक से सर्वुल गायब होने लगती है और उसके साथ ही हमर तोका कहती है कि ये क्या हो गया, ये अचानक से गायब कैसे हो गया। और उस टाइम पर हमर सीडो कहने लगते, तुमने ये सब क्यों किया, तुमने अपने सारे स्पिरिट एनर्जी को मेरे अंदर सील क्यों किया। जहाँ पर मायरू कहने लगते, मैं सारे स्पिरिट एनर्जी से बनी हुई हूँ, तो सीलिंग एक आखिरी मौका था। और वो कहने लगती, असल में मुझे तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मैं एक बात तुमको बताना चाहते हूँ कि मैं तुमसे प्यार किया है जब से मैं पैदा हुई हूँ। और उसके साथ ही वो कहने लगती है, बस इतना ही, मेरा गुड बाय कहने का समय आ चुका है। और उसके बाद हमारे जो मायूरी होते हैं वो अचानक से उस जगह से गायब ही हो जाती है। और तभी हमारे सिरों के हाथ में बस मायूरी का लॉकेट और उसका कैंडी रहता है। और इस बात को देखते हुए हमारे मेन कैरेक्टर सीडो लिटरली यार बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। और उस टाइम पर कुर्मी कहने लगते, सीडो तुमने मेरा आज फिर से काम कर दिया, तुम्हारा कर्ज मेरे ऊपर हमेशा रहेगा। और हमारे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया था वो जो पार्क होता है वो फिर से रिन्यू करवाने लगते हैं। और तभी हमारे सीडो कहने लगता है, अभी मायूरी कहाँ पर होगी। और उस टाइम पर हमारे तोका कहती है कि मायूरी हमारे दिल के अंदर होगी। और उसके साथ हमें दिखाया जाता है जहाँ पर सभी स्पिरिट या सभी लड़के चले आते हैं। और उस टाइम पर हमारे मेकू कहते हैं कि सीडो असल में हम लोगों ने डिसाइड किया है कि सब लोग तुम्हारे साथ एक डेट पे चलेंगे। और तभी हमारी तोका कहने लगती है, सीडो ये अच्छी बात है, हम लोग को फिर से तुम्हारे साथ डेट पे जाने का मौका मिलेगा। और तभी सीडो कहते हैं, रुको रुको रुको, मैं बहुत ही थक गया हूँ, तो ये चीज़ हम लोग फिर कभी करेंगे। और तभी यूजुरू कहने लगती है कि नहीं, हम लोग ये आज ही करेंगे। और उसके साथ ही हमारा सीडो भागते हुए कहने लगता है, आज नहीं फिर कभी करते हैं। और उसके साथ ही गाइस हमारा डेट लाइफ का जो मूवी था मायूरी ऑफ द जजमेंट का वो यहीं पर ही ख़त्म होता है। यदि आप सभी लोगों को आज का मूवी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलते हैं हम लोग एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा एवरीवन।